लोकसभा चुनाव में तीसरे फेज की वोटिंग से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने लेटर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। हाल ही में राधिका खेड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में वे रोते हुए किसी से फोन पर बात कर रही थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुनील आनंद पर कई आरोप लगाए थे। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज ने राधिका खेड़ा और सुनील आनंद से अलग अलग मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि दोनों नेताओं की बात सुनने के बाद पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके आधार पर पार्टी फैसला करेगी। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए लिखा, आदिकाल से स्थापित सत्य है कि धर्म का साथ देने वालों का विरोध होता रहा है। हिरण्यकश्यप से लेकर रावण और कंस तक उदाहरण है। वर्तमान में प्रभु श्री राम का नाम लेने वालों का कुछ लोग इसी तरह का विरोध कर रहे हैं। हर हिंदू के लिए प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पवित्रता के साथ बहुत मायने रखती है। रामलला के दर्शन मात्र से जहां हर हिंदू अपना सफल मानता है, वहीं कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने जिस पार्टी को अपने 22 साल से ज्यादा दिए, जहां NSIU से लेकर AICC के मीडिया विभाग में पूरी ईमानदारी से काम किया, आज वहां ऐसे ही तीव्र विरोध का सामना मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से खुद को रोक नहीं पाई। मेरे इन पुनित कार्यों का विरोध इस स्तर तक पहुंच गया कि मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुए घटनाक्रम ने मुझे न्याय देने से इनकार कर दिया गया। मैंने हमेशा ही दूसरों के न्याय के लिए हर मंच से लड़ाई लड़ी, किंतु जब स्वयं के न्याय की बात आई तो पार्टी में मैंने स्वयं को हारा हुआ पाया। प्रभु श्री राम की भक्त वो एक महिला होने के नाते मैं बेहद आहत हूं। बार बार पार्टी के शीर्ष नेताओं को अवगत कराने के बाद भी जब मुझे न्याय नहीं मिला, इससे आहत होकर मैंने आज यह कदम उठाया है। बता दें कि 7 फेज में होने वाले लोकसभा चुनाव के अभी तीसरा चरण भी पूरा नहीं हुआ है और आए दिन कांग्रेस के नेताओं के पार्टी छोड़ने की खबर आती रहती है। ऐसे में यह देखना होगा कांग्रेस कैसे इन चुनौतियों से निपटती है।